हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं रतनपुर गज किला भाग 3। हम आ चुके हैं किले के पिछले दरवाजा पर। चारों तरफ जो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, ये वही खाई है जो किले के बाहर हुआ करती थी। अभी ये बहुत सारे अलग अलग तालाबों में परिवर्तित हो चुकी है। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते से आप शहर से सीधे ही किले के पीछे दरवाजे में आ सकते हैं। दूर पहाड़ के ऊपर जो मंदिर दिखाई दे रहा है, वही यहाँ का सुप्रसिद्ध राम टेकरी मंदिर है। उस मंदिर का भ्रमण भी हम अगले वीडियो में करेंगे। बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देखने में इतने मशगून हो जाते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ही भूल जाते हैं। हम जा रहे हैं एक बहुत ही पुराने मंदिर की ओर, जिसका एक प्राचीन इतिहास है। यहाँ के राजा के स्वर्ग सिधारने के बाद उनकी 20 रानियाँ एक साथ ही सती हो गई थी, अर्थात राजा के देह के साथ साथ अपने देह को भी अर्पण कर दिया था। उन 20 रानियों की पावन स्मृति में ही इस मंदिर को बनाया गया है और इसका नाम दिया गया है 20 दुवरिया मंदिर। ये हैं भगवान शिव की मूर्ति जो पहले मंदिर में स्थापित थी। अभी ग्रामीणों के द्वारा इसे बाहर निकलकर पूजन किया जाता है, क्योंकि मंदिर की स्थिति बहुत जर्जर है। अपने आप में यह मंदिर अनोखा एवं अद्भुत है। इस मंदिर में 20 द्वार हैं, अर्थात 20 द्वारों से आप इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते थे। ये है मंदिर का गर्भगृह। भगवान शिव की प्रतिमा पहले यहाँ विराजित थी। ऐसा ही एक मंदिर रतनपुर के बैरागवन क्षेत्र में और भी स्थित है, जिसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यह मंदिर उस मंदिर से ज़्यादा विशाल है। यहाँ के बहुत से द्वारों को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और यह तालाब ही वह प्राचीन खाई है जिसे पार करना दुश्मन सेना के लिए
बहुत ही दुष्कर दुर्गम था। मंदिर में पीपल का पेड़ उग आया है। एक ही मूर्ति ऊपर दृष्टिगोचर हो रही है। तालाब में गांव के बच्चे जल क्रीड़ा का अति आनंद उठा रहे हैं। राजा भी संभर देंगे 20 राजे, वो जब सखी हुई थी हमें तो ओकरे यादगार में बना गए। अच्छा, और यह मूर्ति होती मूर्ति सब ले गए अंग्रेज ऐसे। और एक हाँ मंदिर वो पा रहे हैं 20 दुआरी वाला, वो 20 दुआरी है वो ओकरे याद नहीं बनाए। वो बैराग बन की जरूरत होता है। अच्छा, पोखर से ही बड़े हैं मंदिर। अब हम वापस चलते हैं फिर से किले की ओर। किले के अंदर प्रवेश करते ही हमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो गई, जिन्होंने पुरातत्व विभाग के खुदाई के समय यहाँ काम किया था एवं खुदाई के पहले भी यहाँ पर पहले सीताफल का बगीचा हुआ करता था, वहाँ वो मजूरी किया करते थे। मैं 2003 में काम कर रहे हैं। अच्छा, 30 रुपया रोजी में तो थोड़ा ज्ञान तो मूर्ति वगैरह पुराना मिलेगी इससे। हाँ, संग्रहालय में पूरा तत्व विभाग के रखाए हैं। संग्रहालय कती हवे? महामायक संग्रहालय में। अच्छा अच्छा, कंठी देवल में। हाँ हाँ, वही ये करके जो भी बने थे जिसे टीला उला दिखा थे। हाँ, तो ये टीला जो है ना इला खोद ही ना तेमा भी मिले कुछ ना तेमा। हाँ, अच्छा, मिट्टी के सब मलमा टाइप तो है। हाँ हाँ हाँ, वो तरफ खोदा तो गए ना। हाँ, तो मलमा निकलत गई से जो पुराना नेव वगैरह तो तरियाऊ घर बनत घर मिलत गई से। हाँ, बाकी खुदाई बंद करा दी ठेकेदार है। अच्छा, कांवर के सरकारों के कहे नुकसान हो गए, मैं ज्यादा पैसा भरी की के ना। हाँ, तो उसको बंद करा के उसने घरवा के गार्डन बना के तोप दिए है भाई। हाँ, तो पुराना पुराना ऐसे बहुत सच चीज मिलत रही से। हाँ, वो मेरन तो 2003 में तोप मिले रही से। कौन मेर? वो बरगद के नीचे में वो साइड। अच्छा, खुदाई हुई था। हाँ हाँ हाँ, तो इसने है ना चारों तरफ तालाब से घिरे रही से किला। हाँ, तालाब में कुंड है। अब इसने रही से जब पानी भरे रही से तब एक पूरा तत्व विभाग है कुंड बना कुंड बना दी से वो पार के वो इसने रही से पानी भरे रही से वो कुंड बना थे। हाँ, बाद ओकर काम चालू कर ऐसे। हाँ, ऐसे करके अब वो मंदिर बन शुरू से ये जो मंदिर बना है जगन्नाथ मंदिर सब पुराने मंदिर मंदिर ध्वस्त हो गया। अब अंग्रेज के साथ शासन रही से ऐसी मूर्ति खंडित कर दिए गए हैं यहाँ। और वही में से ना जो भी ये है तो वे जो पुराना पहले जमाना के जो रही है आदमी तो मन चूना जो पोताई हो ते आज भी नहीं मिटले है। और वो समय कहाँ के बिजली लाइट रहते रहे गा वो मसाल जला के पठेरा में रख देते रही ने। हाँ, वो जाते रही से पठेरा पठेरा बहुत सारा बने हुए तो मन में पुराना धुआं रचे रखे भी हवा है। हाँ, बने गौर से देखे तो वो इसे मंदिर में जो पुराना खुदाई में लिखा मूर्ति नहीं है। हाँ, हाँ, ओमा जो भगवान के बुद्ध के रही से खंडित। अच्छा, खंडित हो गई ग्रेनाइट के पत्थर के रही से काला। हाँ, वाला। हाँ, हाँ, वहाँ सब मूर्ति तो यहाँ से चोरी हो के गएगा। हाँ, हाँ,
मैं 1971 में यहाँ चीता फल का बहुत बगीचा हुआ है। अच्छा, बहुत सा इमली झाड़ गएगा, जंगल तो रही से है, तो सीता फल रखवारी करत रहे मैं वही। अच्छा। 12 आना रोजी में, 8 आना 12 आना रोजी में ना सीता फल रखत रहे उस समय। अच्छा, तो उस समय खुदाई नहीं हो रही से? हाँ, पूरा तो त्योहार का अंदर में नहीं आ रही से। हाँ, वैसे बाहर से विदेश से आदमी आवे फोटो खींच के बस जावे अचानक तो वही मंदिर तक ले जाए तो पूरा झून झकार जंगल। हाँ, तो वही में ना अब धीरे धीरे अब नजर में लोगन के आ जाते ना। हाँ, तो सब आगे ये खुदाई फुदाई के कार्य करते गा। अभी भी खुदाई करी तो बहुत कुछ मिली है? बहुत कुछ निकली है, मूर्ति तो निकलना पुराना मूर्ति जितना भी गड़े है भाई, वो समय की बस्ती ना जाने तरी माउ बस्ती रही से आदमी रही से। यहाँ के बारे में तो वैसे बोला जैसे ना गहूँ को तिले खोदा है एक ठो मूर्ति जरूर निकल जाएगी। हाँ, निकलते मैं रावण की मूर्ति है शीश काट। अच्छा, हाँ कौन में रहे हैं चौखट में मूर्ति लगे तो नहीं देखे वही सामने राय के तीर में वो सामने जो दरवाजा है मुख्य दरवाजा। अच्छा अच्छा, नहीं देख पाया हूँ ध्यान से। तो वो चौखट ले देखे ना ओमा ऐसे बहुत सा हाथ है रावण के शीश काट काट के शंकर जी में चढ़ा थे तो मन में मुंडी मन सब रखा रखा है। अच्छा, वो सीन हवा ज्यादा बड़े नहीं है लटका बड़े। हाँ हाँ हाँ। तो वही सब चीज दर्शाए गए हम। हाँ। वो समय के भक्त मन के सब ओकर मूर्ति भी वही में है चौखट मन में रखा है रखा। अच्छा अच्छा, देखे हो ज्यादा बड़ा मूर्ति नहीं है, छोट छोट मुड़ी हवे है ना। हाँ, देखे हो देखे ठीक है। वही समय से मने के है वो फोटो खींच ले है, वो में सन लिखा है खुदाई में पत्थर के मंदिर के मत सन भी खींच ले है। हाँ। और पे करके दर्शा लोगन के जानकारी होना चाहिए। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े है, सही बात है। ये समय में कैसे रही ने राजा मन महाराजा मन, उस समय लाइट नहीं होती से मसाला जला के रहे कैसे करें, ये सब चीज के दर्शाना है आप। और ये जो राजा रानी मन कौन महल में रहे ये तो बहुत सारा दिखा थे, जैसे में दिखा थे टूटे बादल टूटे। महल है जुन्ना शहर के पास। हाँ, तो देखे देखे हो। हाँ, घोड़सार है तेन देखा, ये मैं पहली बता दे घोड़सार रही। अच्छा, ये वाले में। हाँ, अच्छा घोड़ा बांधा रही। और राजा रानी मन कहाँ रहे? राजा रानी मन के सब ये है ना रानी बछाली है शायद का वहाँ जाल पर है ऐसे वहाँ भी है। ऐसे करके ना वो समय भीमा जी राव कोई नहीं है, वो समय उसका फोटो भी हो है वहाँ जगन्नाथ मंदिर में कल्याण सा है। वो समय वो राम टेकरी के बगल में है भीमा जी राव। हाँ। ओकरो फोटो है। हाँ, राजा के वो मूर्ति तो है ना भाई। हाँ, हाँ। भैरव केवल हम। हाँ। तो इसे करके ना बहुत पुराना में है गा ऐतिहासिक, एक बहुत सा मैंने जानकारी होते नहीं है मौका, मैं समझ जा 63 के मोर पैदाई से मैं का जान। हाँ, तो यही सब चीज है एकर। तो का नाम है बाबा? वो नारायण प्रधान है, आदिवासी होगा। अच्छा, यही के रहिए। हो, अब आदिवासी मन ले कई थी शासन कहते है। हिंदू न है वो न है कहते है। नहीं, बिल्कुल हिंदू, कैसे हिंदू नहीं? पत्थर का पूजने वाला आदिवासी आदि जाति जेकर पूरा मानव जाति संतान है आदि मानव के। आज जाति लहमन बना है ना भाई? नहीं, कौन कहते हिंदू नहीं है, बकायदा हिंदू। ये सब चीज का मैंने लोगन ये करके मिटाए की कोशिश करते है, राजनीति में कई ठीक बोल देते हैं। तो यही सब चीज ले ये कर बिना, तो मैं तो यही कहता हूँ भाई कि हमारा देश एक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है? भारत देश एक है, इसमें सभी वर्ग के लोग यहाँ शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। लड़ाने जुझाने काम ना करें। आप ठीक दोहरा है, हीरा मोती जवाहरात। अच्छा, अंदर में। हाँ। तो भाई किस्मत वाला का मिल ही गा पेंटर का सपना दिए जिसे हमारे चीज के। हाँ। तो पूजा पाठ करवा रही से बाकी वो ये काम नहीं करी भाई। वहाँ तो बड़े बड़े नांग पन वाला तो वहाँ कहाँ आदमी जाएगा। हाँ। अब उसने यहाँ से जो सीढ़ी जो देख क्या है रावण वाला बता। हाँ, हाँ, तो चौखट में। हाँ। वो सीढ़ी लग तोप दिन गा नहीं तो सीढ़ी तरी तरी गए सीधा कोको बावली। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, कोको बावली में एक रास्ता यहाँ से निकले बोलते हैं। और वहाँ से सीढ़ी जो गए खोखो बावली पानी भरे तीन कौन जा है भैया जीव का दहल वहाँ एकदम जला थल साल वो सीधा बिलासपुर के कुआं में निकले है जाना तो। हाँ, सुने हो ना? अब रास्ता भी तो बंद है ना। हाँ भाई, कौन जाएगा फिर?
पानी भरेगा अहरू बिछरू का अंधियार में कौन जीव के देह बतान भयो कैसे बनाई शुरू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ये केवल कीला का तीसरा ही भाग था, चौथा भाग और अंतिम भाग जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।